हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूं चिली ब्रेड, जो बहुत ही अच्छा स्नैक्स है और बहुत ही चटपटा है। इसके लिए मैंने 4 वाइट ब्रेड लिया है, 1 गाजर लंबे टुकड़ों में कटे हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, बीन्स बारीक कटे हुए, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, सेजवान सॉस, सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून नमक, गार्लिक कटे हुए, जिंजर बारीक कटे हुए, 2 लाल मिर्च, 1/2 चम्मच व्हाइट विनेगर, 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, चिली ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक हम लंबे चौड़े तवा पैन लेंगे। तवा गर्म हो जाने पर इसमें घी डाल लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से तवा पर फैला लेंगे। मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है, आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तवे पे सभी ब्रेड के स्लाइसेस को, टुकड़ों को डाल लेंगे एक एक करके। इन ब्रेड के टुकड़ों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। इन्हें दोनों तरफ से पलटकर अच्छी तरह से सेकना है। याद रहे, फ्लेम मीडियम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि टुकड़ों का कलर ब्राउन हो रहा है। इन्हें सावधानी से अच्छे से पलट लेंगे। आप इसकी जगह पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट ब्रेड ही इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल ना करें। यह सीक जाने के बाद बहुत ही क्रंची क्रिस्पी हो जाएंगे। हमारे सभी पीसेस लगभग ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें सावधानी पूर्वक सभी पीसेस को निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे जिसे गर्म कर लेंगे और उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और अब हम इसमें 2 लाल मिर्च डालेंगे। ध्यान रहे, मिर्च को बीच से हल्का सा तोड़ लें। अब इसमें गार्लिक डालेंगे, जिंजर डालेंगे और इन सभी को 10 सेकेंड तक तेल में भून लेंगे। जिंजर गार्लिक भून जाने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ सिंपल प्याज का इस्तेमाल किया है। आप स्प्रिंग ऑनियन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज को हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है और यह हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें गाजर डालेंगे। मैंने यहाँ 2 वेजिटेबल्स का यूज किया है, गाजर एवं बीन्स। आप इसके जगह कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपके पसंद की सब्जी हो वो आप इसमें डाल सकते हो, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इन सभी को हमें 10 से 15 सेकंड के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम करके। याद रहे दोस्तों,
जब भी हम खाना बनाते हैं तो फ्लेम को मीडियम करके बनाएं या फिर लो करके बनाएं, हाई फ्लेम पे खाना ना बनाएं। मीडियम और लो में खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें विनेगर डाल लेंगे, टोमेटो सॉस डाल लेंगे, सोया सॉस डाल लेंगे, सभी सॉस को एक एक करके डाल लेंगे, शेजवान सॉस डाल लेंगे और इन सभी को 10 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसमें एक चुटकी आप नमक डालें। ध्यान रहे, सिजवान सॉस में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए आप नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लगभग 50 मिलीलीटर पानी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, यह लगभग तैयार हो गई है हमारा मसाला। अब गैस ऑफ करके ब्रेड के सेके हुए टुकड़ों को कढ़ाई में डालकर और इन्हें ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ हल्का सॉफ्ट ब्रेड बनाया है, इसलिए मैंने गर्म ग्रेवी में डाला है। अगर आपको क्रंची पीसेस चाहिए तो आप अच्छी तरह से सॉस और ग्रेवी को ठंडे हो जाने दें, उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस को डालें। आप देख सकते हैं चिली ब्रेड बनकर तैयार हो गया। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।